आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट में कोई भी क्वाइन कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी नेटवर्क का हो, और उसकी जो फीस है वो हमें किस क्वाइन में देनी होगी। समटाइम ट्रस्ट वॉलेट आपसे BNB में फीस मांग रहा होता है, समटाइम बिटकॉइन में मांग रहा होता है, और समटाइम मेटिक में मांग रहा होता है, तो इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आप बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि आप बाइनेंस से बाइनेंस फ्री में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस पे कैसे ट्रांसफर करेंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम बख्तियार है, आप देख रहे हैं मिस्टर टेक्निक। अगर आप भी परेशान हैं कि आप ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस पे कैसे ट्रांसफर करें, क्योंकि जब आप बाइनेंस पे डिपॉजिट करते हैं तो वहां पे पूरी नेटवर्क की लिस्ट होती है बहुत सारी, और काफी सारे गलत नेटवर्क सिलेक्ट कर देते हैं और ट्रांसफर कर देते हैं अपने पैसे, तो यहां पे ये होता है कि आपके जो ट्रांसफर किए होते हैं वो वहां पे पहुंचते भी नहीं है और बीच में कहीं पे लॉस हो जाते हैं। तो ये वीडियो आप पूरी देखें, इंशाल्लाह वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि आप ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस पे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और जो आप फीस देंगे वो किस क्वाइन से देनी होगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो से आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो ये मैंने अपने पास ट्रस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। तो यहाँ पे देखें, मेरे पास काफी सारे क्वाइंस अवेलेबल हैं, कुछ टोकन्स अवेलेबल हैं, कुछ क्वाइंस अवेलेबल हैं। तो देखें, BTC भी मेरे पास है, BNB भी है, BUSD है। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ BTC, ठीक है। तो अब मैं BTC यहाँ पे ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ अपने बाइनेंस के अकाउंट में। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि नेटवर्क कौन सा है। तो यहाँ पे नेटवर्क की जगह पे आप देखें क्वाइन लिखा हुआ है। अब किसी भी क्वाइन के सामने अगर नेटवर्क ये लिखा हो क्वाइन, तो उसका मतलब ये होता है कि वो अपना नेटवर्क यूज कर रहा है। अब BTC ट्रांसफर करने के लिए हमें बिटकॉइन का नेटवर्क सिलेक्ट करना होगा। तो सेंड करने के लिए यहाँ पे सेंड में जाते हैं और यहाँ पे हमें एड्रेस डालना होगा BTC का। तो बाइनेंस की एप्लीकेशन ओपन करते हैं और बाइनेंस से BTC का डिपॉजिट एड्रेस हम कॉपी करते हैं। तो बाइनेंस की एप्लीकेशन मैंने अपने पास ओपन कर ली। आपको आना है वॉलेट में, और वॉलेट में आने के बाद स्पॉट सिलेक्ट करना है, और स्पॉट सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करें, यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आपको डिपॉजिट सिलेक्ट करना है। अब डिपॉजिट में देखें, यहाँ पे जितने भी क्वाइंस होंगे उनकी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। अब जो भी क्वाइन आप यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हो वो यहाँ से टॉप पे आके आप सर्च कर लें। जैसे मैं यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा हूँ BTC, तो BTC आ गया। अब जैसे ही BTC पे आया तो ये मुझे बोल रहा है कि आप नेटवर्क सिलेक्ट करें जिस नेटवर्क पे आप यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं। तो ये देखें, काफ़ी सारे नेटवर्क आ गए। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना होगा बिटकॉइन, क्योंकि ये अपना ही नेटवर्क यूज़ कर रहा है। और ये एड्रेस हो गया, ये मुझे करना है कॉपी। कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ कि ट्रस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन खोल ली। यहाँ पे टॉप पे आपको एड्रेस डालना है और यहाँ पे अमाउंट डालना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अमाउंट डाल रहा हूँ, $2, ठीक है। इसको करते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पे ये पूरी डेटा आ गई ट्रांसफर की, कौन सा एसेट है, फ्रॉम कहाँ से, ट्रू कौन से एड्रेस पे जा रहा है, नेटवर्क फी कौन सी है। तो नेटवर्क फी देखें, ये BTC में ले रहा है। तो यहाँ पे आपको ये नोट करना होगा, आप जो भी नेटवर्क यूज कर रहे हैं, जैसे बिटकॉइन के लिए आपने बिटकॉइन का नेटवर्क सिलेक्ट कर लिया, जबकि बिटकॉइन 3-4 में होता है, BP20 है, इसके अलावा भी काफी सारी लिस्ट होती है। तो अभी हमने जो नेटवर्क सिलेक्ट किया था वो बिटकॉइन सिलेक्ट किया था, तो हमें जो फीस देनी होगी यहाँ पे बिटकॉइन में देनी होगी। इस तरह BEP20 के जो टोकन्स होते हैं उनकी जो फीस होती है वो BNB में होती है, क्योंकि वो BNB का स्मार्ट चेन सिस्टम यूज कर रहे होते हैं। तो उसी तरह जो भी क्वाइन आप जिस नेटवर्क का यूज कर रहे होंगे उसी नेटवर्क की आपको यहाँ पे फीस देनी होगी, तो मुझे इतनी फीस लगेगी। सेम उसी तरह अगर आपका नेटवर्क BEP20 है तो आपको यहाँ पे BNB चाहिए होंगे। तो इसको करते हैं यहाँ से कन्फर्म, ये आ गया ट्रांसफर में। अभी ट्रांसफर यहाँ पे पेंडिंग शो कर रहा है, ये तकरीबन 5 से 10 मिनट ले सकता है ट्रांसफर होने में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो बटन दबा दें और वहां पे एक बेल का आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कुछ ही मिनट के अंदर यहाँ पे जो स्टेटस आ रहा है वो कंप्लीटेड आ रहा है, और जो कंफर्मेशन हुई है यहाँ पे 2 कंफर्मेशन हो गई है। तो अब बाइनेंस की एप्लीकेशन में जाते हैं और वहां पे बिटकॉइन चेक करते हैं। तो यहाँ पे सर्च करते हैं BTC, और इसको मैं ये कर देता हूँ। यहाँ पे देखें डिपॉजिट, तो ये देखें जो हमने ट्रस्ट वॉलेट से बिटकॉइन ट्रांसफर किया था वो यहाँ पे आ गया, और ट्रांजेक्शन भी कंप्लीटेड हो गई है। समटाइम यहाँ पे ये लॉक का स्टेटस दिखा रहा होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा 1-2 मिनट और वेट करना होगा। जब कंफर्मेशन 1 या 2 आ जाएंगी तो वो कंप्लीटेड में आ जाएगा, फिर आप बाइनेंस को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम BEP20 नेटवर्क का कोई क्वाइन यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं बाइनेंस पे, ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस पे BEP20 का। तो ट्रस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन में ओपन करता हूँ। तो ये मैंने ट्रस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन ओपन कर ली, और यहाँ पे काफी सारे क्वाइन मेरे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं ट्रांसफर करता हूँ BUSD BEP20, ठीक है। ये हम ट्रांसफर करके देखते हैं। तो सेम उसी तरह यहाँ पे आपको जाना होगा सेंड पे, और यहाँ पे एड्रेस डालना होगा BEP20 का। हम चलते हैं बाइनेंस के एप्लीकेशन पे, डिपॉजिट,
BUSD। ठीक है, अब यहाँ पे काफी सारे नेटवर्क आ गए, किसी में कम नेटवर्क होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं। तो हमारे पास ट्रस्ट वॉलेट में जो नेटवर्क है वो है BP20। BP20 में ट्रस्ट वॉलेट पे मेरे पास USD पड़े हुए हैं, इसको करना है BP20 और कॉपी करना है एड्रेस को। वापस आके ट्रस्ट वॉलेट पे यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे मैं सारा अमाउंट ट्रांसफर कर देता हूँ, उसको करते हैं कंटिन्यू। तो अब यहाँ पे एक चीज आपने नोट की होगी, जो फीस आ रही है वो BNB में आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया था, आप जो नेटवर्क यूज करेंगे उस नेटवर्क की आपको फीस देनी होगी। जैसे सवेरे हमने बिटकॉइन का नेटवर्क था तो फीस भी बिटकॉइन की थी, और अभी मैंने BP20 का नेटवर्क सिलेक्ट किया जो कि है बाइनेंस स्मार्ट चेन का, तो उनके अपने क्वाइन में हमें फीस देनी होगी जो कि है BNB। इतनी फीस मुझे लग रही है। BP20 की फीस जो होती है वो सबसे ज्यादा कम होती है, इसको करना है कन्फर्म। देखो नीचे यह भी आ रहा है, मेक श्योर रिसिप्ट सपोर्ट BUSD टोकन और इट विल बी लीड टू लॉस ऑफ टोकन। तो यहाँ पे यह चीज लिखी हुई है कि अगर आप नेटवर्क गलत सिलेक्ट करते हैं, वो BP20 का नहीं होगा, तो आपके जो फंड है वो लॉस हो जाएंगे। तो यहाँ पे करता हूँ कन्फर्म सिक्योरिटी, तो ये ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है। तो ये देखिए पेंडिंग आ रहा है, सेम 1 से 2 मिनट के अंदर ये हमारे बाइनेंस पे आ जाएंगे। तो मैं इसको रिफ्रेश करता रहता हूँ यहाँ पे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और ये देखें कंप्लीट हो गया, आपकी वीडियो आपने लाइक की और ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और कंफर्मेशन भी इसकी बहुत तेजी से बढ़ रही है बिटकॉइन के नेटवर्क के हवाले से। बिटकॉइन का नेटवर्क में थोड़ा टाइम लगा था, मगर ये तो मैं ऐसे ही रिफ्रेश कर रहा था और ये ट्रांसफर भी हो गया। अब चलते हैं बाइनेंस के एप्लीकेशन पे, वहां पे मैं चेक करता हूँ BUSD में आए हैं या नहीं आए। ये बाइनेंस की एप्लीकेशन, पोर्ट में आके मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ BUSD। तो ये देखें अभी भी मेरे पास डिपॉजिट हुआ है, ये 2.19 अमाउंट अभी कंफर्मिंग में है, अभी कंफर्म नहीं हुआ। अब ये बोल रहा है 14 नेटवर्क कंफर्मेशन, द डिपॉजिट रिक्वायर्ड 15 नेटवर्क कंफर्मेशन, एक कंफर्मेशन अभी रहती है इसकी। तो इसको भी यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये थोड़ी देर में ही हो जाएगा, क्योंकि जिस स्पीड से वो चल रहा था उसी स्पीड से ये हो जाएगा। तो ये देखें जस्ट मैंने रिफ्रेश किया है और हमारा ये अमाउंट आ गया। तो ये देखें यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन थी वो भी कंप्लीटेड हो गई। तो हमने BP20 का भी कर दिया और बिटकॉइन नेटवर्क का भी ट्रांसफर कर दिया ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस पे। इसी तरह जो भी नेटवर्क होगा आपको जस्ट नेटवर्क सही से सिलेक्ट करना है और उसकी आपको फीस देनी है और ट्रांसफर करना है। यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, समटाइम 5 से 10 मिनट लग जाते हैं और 15-20 मिनट भी लग सकते हैं, मगर ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में मुझे बताएं अगर कोई भी इशू आपको आ रहा है या किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।